तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वजह से मैं भी मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो जाए। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मुझे जो है 3 महीने के अंदर अंदर कितने 80,000 व्यूज मिले हैं। ओके 80,000 व्यूज के ऊपर जो है मुझे यहाँ पे कंप्लीट 4,000 घंटे का वॉच टाइम मिल चुका है। इतने कम व्यूज पे इतना ज्यादा वॉच टाइम आना बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे 1,326 सब्सक्राइबर्स भी मिल चुके हैं। ओके 3 महीने के अंदर अंदर तो आपने ये कैसे गेन करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वीडियो को पहले पूरा देख लो। अगर मैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे आता हूँ अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे मुझे कितना शो कर रहा है, यहाँ 3849 यानी शो कर रहा है। एक दिन के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके शाम तक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। कल मैं आपको नई वीडियो में बताऊंगा कैसे आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वीडियो को जरूर देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप एक दिन के बाद मेरी इस वाली वीडियो को देख रहे हो। ओके तो यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पे ये देखिएगा, ये मेरा दूसरा चैनल है जिस चैनल पे आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। ओके यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरा लास्ट 28 डेज का यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एनालिटिक्स। यहाँ पे मुझे 2,41,000 व्यूज मिले हैं 28 दिन के अंदर। ओके यहाँ पे मुझे वाइटम कितना मिला है इस पे, 7,000 घंटे का वाइटम यहाँ पे मुझे मिला है 28 दिन के अंदर अंदर। ओके उसके अलावा यहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर्स कितने मिले हैं, 1,500 सब्सक्राइबर्स मुझे यहाँ पे मिले हैं। ओके उसके अलावा यहाँ पे जो मुझे डॉलर्स मिले हैं 100। व्हाट्सअप गाइस कैसे हुआ, अगर आपको नहीं पता 4,000 घंटे का वाइटम कैसे कंप्लीट करना है वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वाइटम जो है 10 दिन से भी पहले कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 6 दिन आपको लगने वाले हैं ये 4,000 घंटे का वाइटम पूरा करने के लिए। गाइस काफी गर्मी है, काफी पसीना आया है, तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपके लिए बना रहा हूँ तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। ओके मेरा तो पहले से कंप्लीट है, मेरे 2 चैनल मोनेटाइज है, 3रा चैनल मैं आपके सामने आपको दिखाने वाला हूँ, ये भी देख लेना, आपको शायद थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो जाए। ओके मोटिवेशन मिल जाए मेरी वजह से, तो मुझे भी इस बात पर प्राउड होगा कि मेरी वजह से किसी बंदे को मोटिवेशन मिला है। तो इस वीडियो में 2 टिप्स आपको बताने वाला हूँ, अगर आप दोनों टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो आपका वाइटम पूरा आ जाएगा। अगर आप टिप नंबर 1 को फॉलो करते हो तो 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपका वाइटम कंप्लीट हो जाएगा। ओके अगर टिप नंबर 2 को फॉलो करते हो, जिसको फॉलो मैंने किया था, उस पे आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, 1 महीने का टाइम आपको मे भी उस पे लग जाए, क्योंकि मैंने टिप नंबर 2 को फॉलो किया है, ज्यादा टिप नंबर 1 को इतना फॉलो नहीं किया। आपके लिए टिप नंबर 1 लेके आया हूँ, क्योंकि टिप नंबर 1 को फॉलो करके मैंने अपना पहले एक जो इंटरटेनमेंट वाला चैनल है वो मोनेटाइज करवा रखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा दूसरा चैनल लोगों के सामने आए, इसलिए इंटरटेनमेंट वाला चैनल हाइड रहेगा। आपके सामने 2 चैनल मेरे रहेंगे, ये प्रो टिप्स जिसपे मैं आपको यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूंगा, और दूसरा चैनल प्रो ब्लॉगिंग टिप्स जिसपे मैं आपको ब्लॉगिंग वगैरह वेबसाइट वर्डप्रेस वगैरह सिखाता रहूंगा। तो आज की वीडियो में आपको वर्डप्रेस पे बताने वाला हूँ कैसे मैंने अपना वाइटम कंप्लीट किया है और कैसे आपने कंप्लीट करना है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इतना कहना चाहूंगा, चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बने बेल के आइकन को दबा लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, आप उससे बेनिफिट उठाते रहो। तो चलिए गाइस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Hey guys, I am maybe back with a new video. तो चलिए गाइस पहले मैं आपको बता दूं टिप नंबर 1 क्या है, टिप नंबर 1 को आपने कैसे फॉलो करना है। तो गाइस आप YouTube पे जाते हो, किसी भी वीडियो को प्ले करते हो। ओके वीडियो को प्ले करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट्स देखने को मिलते हैं, देखिए साइड पे चल रहा है, 3 डॉट्स मिलते हैं, इस पे प्रेस करते हो तो स्पीड का ऑप्शन आता है, वीडियो की स्पीड का। आपने क्या करना है, जितनी भी कम से कम मिनिमम स्पीड है वहां पे ऑप्शन, आपने उस ऑप्शन पे प्रेस करना है, आपकी वीडियो की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी फुल मिनिमम। अगर आपका वीडियो 10 मिनट का एक वीडियो है, ओके 10 मिनट का वीडियो है, आप मिनिमम स्पीड पे प्ले करते हो, एक मोबाइल पे प्ले करते हो, तो कितना आपको वाइट टाइम उस पर मिलेगा। एक 10 मिनट का वीडियो है वो कम से कम 50 से 60 मिनट पे जाएगा, यार आप फर्ज करो 50 मिनट लगा लो। ओके 10 मिनट का वीडियो है लेकिन आपको वाइट टाइम कितना मिलेगा, 50 मिनट का वाइट टाइम एक वीडियो से मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने अपने घर में अपने फ्रेंड्स वगैरह के मोबाइल को पकड़ना है, 5 से 6 मोबाइल आपने पकड़ने हैं, उस पर अपनी वीडियो को प्ले करना है और वीडियो को कर देना है स्पीड लो। ओके फुल लो स्पीड कर देनी है, इससे क्या होगा आपको ज्यादा से ज्यादा वाइटम मिलता रहेगा। तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वजह से मैं भी मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो जाए। आप लोग जो है ऐसे काफी ज्यादा वीडियोस पे जाते हो, उन्हें स्किप कर करके देखते हो, आपको उसका फायदा नहीं मिलता। तो गाइस मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस वीडियो को आप स्किप करते हो
दूसरी वीडियो पे जाते हो, तीसरी पे जाते हो, चौथी पे, आपको काम समझ नहीं आता, एक ही वीडियो को पूरा देखो यार, आपको समझ आ जाएगा। अगला बंदा आपके लिए इतनी मेहनत करके बैठा होता है, आपके लिए वीडियो बना रहा होता है, तो आप उसे स्किप करके अगली वीडियो पे चले जाते हो, तो उस वीडियो का आपको क्या समझ आएगा गाइस। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। इस तरह से आपने जो टिप नंबर 1 मैंने आपको बताई, आपने इस तरह से अपना वाइटम कंप्लीट कर लेना। ये कुछ ऐसी बातें हैं गाइस जो आपको कोई दूसरा बंदा नहीं बताएगा। अगर आप इसको अप्लाई करते हो 10 दिन से पहले पहले, यानी फर्ज करो यार 10 मिनट का आपका वीडियो है, आपको उस पर वाइटम इस तरह से कितना मिला, 50 मिनट का वाइटम मिला। ओके, 50 × 4000 करो, यानी 4000 व्यूज आते हैं आपकी वीडियो पे। ओके, 50 मिनट का व्यूज आता है, 4000 व्यूज आपको मिलते हैं, आपका वाइटम कितना हो जाता है, 2,00,000 मिनट का आपका वाइटम पूरा हो जाता है। अगर 2,40,000 मिनट का वाइटम चाहिए, लेकिन अगर 4,000 व्यूज आते हैं, तो आपका वाइटम कितना, 2,00,000 मिनट का हो जाता है, आपका वाइटम कंप्लीट होने वाला हो जाता है। ओके, 4 से 5 दिन लगने हैं, आपने कितना वाइटम गेन कर लेना। ओके, बार बार वीडियो को प्ले करो, इससे क्या होगा, आपकी वीडियो जो है, यानी फर्ज करो इस तरह से स्पीड लो करके 5 से 6 बार में चलाते हो, आपकी वीडियो पे काफी अच्छा वाइटम आएगा, ऑडियंस रिटेंशन आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, जहाँ पे आपको 100% मिलना था, वहां पे आपको 1000% ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा एक बंदे से। तो इस तरह से क्या होगा, YouTube भी ऑडियंस रिटेंशन की वजह से आपकी वीडियो को वायरल करेगा, आपकी वीडियो वायरल जाएगी, आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, तो आपको जो है अच्छा वाइटम मिलेगा, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, ये थी गाइस टिप नंबर 1। तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 के ऊपर। तो गाइस टिप नंबर 2 क्या है, टिप नंबर 2 ये है गाइस कि आपने अपने चैनल पे जो बेस्ट वीडियोस होगी, बेस्ट वीडियो के जिस पे आपको अच्छा ऑडियंस रिटेंशन मिला है, अच्छा व्यूज मिले हैं, ओके, उस वीडियो को आपने क्या करना है, उस वीडियो को आपने पार्ट 2 रिलीज करना है। ओके, पार्ट 2 आपने बनाना है, फिर पार्ट 3 बनाना है। इस वे को यूज करके मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया है। जो चैनल आप देख रहे हो प्रो टेक टिप्स करने के लिए, जो टिप नंबर 2 है वो क्या है, वो आप जरा अच्छे से देख लो। यहाँ पे आ जाना है आपने अपनी वीडियो की एनालिटिक्स पे। ओके, यहाँ पे ये देखिए, आपने अपनी वीडियो देख लेनी है। ओके, यहाँ पे आपकी 10 से 12 वीडियोस आ जाएगी जिन पे आपको अच्छा वाइटम मिला है। ओके, जिन पे आपको अच्छा वाइटम मिला है, यानी आपकी अगर 4 मिनट की वीडियो है तो 3 मिनट या 2 मिनट तक लोगों ने देखी है। ये देखिए, यहाँ पे मुझे 41% वाइटम जो यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन मिला है। ओके, 100% की जो वीडियो थी उसमें से 41% जो है ऑडियंस रिटेंशन मिला है, इसकी वजह से ये मेरा वीडियो वायरल जा रहा है। इस पर व्यूज ये देखिए 21,638 व्यूज आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे ये जो अब के है, ये लाइव व्यूज मैं दिखा रहा हूँ, ये टोटल इस पे तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार व्यूज हो चुका है। अगर आपका वाइटम, यानी किसी वीडियो के ऊपर वाइटम ज्यादा आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आपने वाइटम कैसे गेन करना है, तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं, अगर किसी वीडियो पे आपका वाइटम ज्यादा आ रहा है तो आपने क्या करना है, उस वीडियो का पार्ट 2 लेके आना है। ओके, पार्ट 2 आपने बनाना है उसी वीडियो का, सेम आपने टाइटल कीवर्ड वगैरह रखना है उसमें, डिस्क्रिप्शन सेम रखनी है, लेकिन सिर्फ टाइटल में आपने क्या करना है, ऊपर पार्ट 2 साथ लिख देना। ओके, तो उसमें आपकी वीडियो वायरल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए। तो आपने इस तरह से वाइटम गेन करना है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आ जाइए सेम ओवर पे। ओके, अब आपने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। व्यूज बाय वीडियो, यहाँ पे ये देखिए व्यूज बाय वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपने देख लेना है। ये देखिए, जो आपकी वीडियो, यानी जिस वीडियो पे आपको, ये 28 दिन का है, मैं आपको लाइफ टाइम का दिखा दूँ पहले। तो ये देखिएगा, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं लाइफ टाइम पे, तो मेरी इस वाले वीडियो पे 1,04,000 व्यूज आ चुके हैं। ये देखिए, हाउ टू बैकअप GB व्हाट्सएप। तो मैंने क्या किया, मैं अब आपको बताऊँ मैंने वाइटम यहाँ पे गेन कैसे किया था। मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा व्यूज मिल रहे थे, 50 से 60 हज़ार व्यूज मुझे इस वीडियो पे जब मिल गए, मैंने क्या किया, मैंने ये देखे दूसरा एक वीडियो बनाया, सेम वीडियो बनाया, सिर्फ टाइटल चेंज किया। यहाँ पे हाउ टू बैकअप GB व्हाट्सएप मैसेजेस, यहाँ है हाउ टू रिस्टोर व्हाट्सएप मैसेजेस विदाउट बैकअप। ओके, यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया, मुझे इस वीडियो पे कितना व्यूज मिले, यहाँ पे ये देखिए 80,796 व्यूज मुझे यहाँ पे देखने को मिले। सब्सक्राइबर्स मुझे यहाँ पे 225 इस वीडियो से देखने को मिले। ऊपर वाली वीडियो पे 605 सब्सक्राइबर्स मुझे देखने को मिले। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मैंने वाइटम गेन किया। आप भी इस तरह से अपने वीडियो पे वाइटम गेन कर सकते हो। यहाँ पे आके आपने देख लेना आपकी कौन सी वीडियो जो है ज्यादा परफॉर्म कर रही है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने क्या करना है, उस वीडियो का पार्ट 2 लेके आना है। अगर वो वीडियो भी अच्छा परफॉर्म करती है, पार्ट 3 लेके आना। ओके, इस तरह से आपने वीडियो के पार्ट लेके आते रहना है, आपको उस तरह से व्यूज उस पर मिलते जाएंगे, आपका वाइटम ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपने चैनल की कैटेगरी को उसी वीडियो के लिहाज से रख लेना है। यानी कि अगर व्हाट्सएप पे आपकी वीडियो वायरल हुई है, तो आपने अपने पूरे चैनल को व्हाट्सएप का चैनल बना देना है। आपने व्हाट्सएप की लेटेस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज मिले। क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर्स हो गए वो वही हो गए जो व्हाट्सएप की वीडियो देखना चाहते हैं,
तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो बनाओगे। ओके, इस तरह से आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, उसी एक टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो बनाते रहना है। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा आइटम गेन कर सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ मुझे टोटल इंप्रेशन कितने मिले हैं, यहाँ पे 10 मिलियन मुझे इंप्रेशन मिले हैं, 10 मिलियन आगे 3 लाख। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यानी 1 करोड़ 3 लाख मुझे यहाँ पे इंप्रेशन देखने को मिले हैं अभी तक अपने चैनल पे। तो आप भी ऐसे गेन कर सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूं कि मैंने ये इंप्रेशन कैसे गेन किया, अपने वीडियो पे व्यूज कैसे गेन किया। मैं अपने वीडियो पे SEO करता हूँ बहुत हैवी वाली, तो आपने वो SEO कैसे करनी है उस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देख लेना उस वीडियो पे और अपनी वीडियो की SEO करना और अपनी वीडियो पे व्यूज लेके आते रहना टाइम टू टाइम। ओके, इस तरह से ही मैंने अपने वीडियो पे व्यूज लेके आया था। ओके, ये टिप नंबर 2 है। इससे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 1 मंथ या 2 मंथ लगा लो गाइस, लग जाएंगे। इसी वे को यूज करके मैंने अपने प्रो ब्लॉगिंग टिप्स पे भी आइटम कंप्लीट किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हो। तो गाइस वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की मजीद वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगा है तो। इतना पसीना गाइस देख लो आपके सामने आया है, तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी किसी वीडियो पे। इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा कैसे आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वीडियो को देख लेना, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा।